एक्सक्यूज मी भैया, आप ही को बोल रही हूँ। हाँ जी कहिए। वो बाहर से ना गेट लॉक हो चुका है, प्लीज आप आकर खोल दीजिएगा, मुझे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है। लेकिन मैं कैसे खोलूं? देखिए प्लीज आकर खोल दीजिए, यहाँ पर आसपास अभी कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे ना अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है और मैं बहुत देर से अंदर फंसी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं 2-3 घंटे से अंदर लॉक थी, आपने मेरी बहुत मदद की। कम से कम चाय पानी तो पीकर जाइए। नहीं नहीं मैडम, मैं चाय नहीं पीता हूँ, हो गया ना, अब मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए, आइए। वैसे आपका घर बाहर से जितना अच्छा है, अंदर से और भी अच्छा है। बैठिए। हम आते हैं। हाँ। थैंक यू, आप भी बैठिए ना। वैसे आपने बताया नहीं कि बाहर से किसने लॉक कर दिया था। वो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं ना, अच्छा। तो उनमें से किसी ने शरारत की होगी। अच्छा ठीक है, मैंने पानी पी लिया, अब मैं निकलता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तो चाय भी नहीं पीते, कम से कम कॉफी या जूस कुछ तो ले लीजिए। अरे नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे कई काम से बाहर जाना है तो मुझे लेट हो रहा है, तो मैं निकलता हूँ। ऐसे कैसे चला जाएगा, तुम यहाँ मेरी मर्जी से आए थे और मेरी मर्जी से ही जाओगे। ये क्या बदतमीजी है, क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी बताती हूँ, चुपचाप तेरे पास जो फोन है, पैसा है और जो भी कीमती सामान है सब निकाल कर मुझे दे दे। क्या बोल रही हो, मैं ऊपर आया था तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम मुझे ही लूट रही हो। हा? मैं अपना सामान भला क्यों दूं तुम्हें? अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा। वेट, बचाओ बचाओ बचाओ। चुप 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 चुप, पागल हो गई हो क्या? हाँ क्या कर रही हो? अभी बता क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, ये सब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। और तूने अगर तेरे पास जो भी है मुझे निकाल कर नहीं दिया तो अभी मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला लूंगी और पुलिस को भी कंप्लेंट कर लूंगी कि तू मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं नहीं, मैं देता हूँ, देता हूँ मैं। दे। तू बैठा क्यों है? किसकी इंतजार कर रहा है? चल जा, निकल, उधर है दरवाजा। मैडम, यूं मदद के बहाने किसी को लूटना ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत? जब मैंने तुझे बुलाया, तू ये आया है क्यों? तेरे खुद के पास दिमाग नहीं है? तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास तुम्हारी कंप्लेन करवाने, फिर मैं देखता हूँ तुम कैसे बचोगी। तुझे मैं बेवकूफ दिखती हूँ? जा, जाकर कर दे, मैं भी देखती हूँ कौन जेल जाता है, तू या मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है मेरा? बेटा, वो तेरा बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब वो सीसीटीवी फुटेज देखेंगे ना, तब उसमें साफ साफ नजर आएगा कि तू मेरे घर में घुसा आया है और तेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने तुझे लूटने की कोशिश की। मैं तो पूरी तरह फंस गया, जा रहा हूँ मैं। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने किया मेरे साथ, मैं अपना सामान इतनी आसानी से तुझे लेने कैसे दूंगा? हाँ देखो, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, आई एम सॉरी। चल मेरा सामान दे, दे मुझे। हाँ दे रही हूँ, प्लीज अब तो मेरा हाथ छोड़ो। बैठ इधर, देख यही फर्क है तुझ में और मुझ में, अगर मैं चाहता ना तो तुझे पुलिस के हवाले अभी कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब बता बता तूने ऐसा क्यों किया? अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई तुझे जो तूने इतनी गंदी हरकत की? हाँ वो कुछ दिन पहले मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने मेरी एक फ्रेंड से मदद मांगी, आज उसे पैसा लौटाना था और मैं लौटाने जा भी रही, लेकिन रास्ते में एक लड़का ने मेरे हाथ से मेरा पर्स छीन लिया और वो बाइक पे था, इसलिए मैं उसे रोक भी नहीं पाई और मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा। तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं थी जिसका कोई हल ना हो, अगर तुम अपने फ्रेंड से एक बार बात कर लेती ना तो वो तुम्हारी बात को समझती और तुम्हें टाइम दे देती, लेकिन नहीं,
तुमने गलत रास्ता अपनाया। तुम जैसी लड़कियों के वजह से ना जाने कितने लड़के सजा काट रहे हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं है और उनकी बदनामी अलग से हो रही है। खैर, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। और प्लीज ये सब बात किसी को मत बताना वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ ला, ना कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेना जिसके वजह से वो प्रॉब्लम और बढ़े। प्लीज आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है।